नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यूपी पीसीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, जेई का और एसएससी जेई का भी आने वाले दिनों में नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो मेरे बच्चों से बात होती है तो बच्चों का एक मेन बेसिक जो प्रॉब्लम आता है निकल के, वो ये आता है कि सर हम लोग को एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बट उस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करने में 5 से 6 मिनट लग जाता है। और आप लोग जानते हैं आजकल के ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में 5 से 6 मिनट का टाइम अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा तो उसकी वजह से फिर आप लोग आने अगले पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स बच्चों के मैंने देखी है, मैंने फेस करते हैं कि सर इतना टाइम लग जाने की वजह से हम पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने इस सब चीज़ों को देखते हुए इलेक्ट्रिकल्स की कुछ ट्रिक्स की सीरीज लेके आ रहा हूँ, जो कि आप लोग किसी भी एग्जाम में आप लोग इसको यूज करोगे, चाहे वो यूपी पीसीएल हो, एसएससी जेई हो या किसी भी स्टेट का एग्जाम, उसमें आप लोग इस ट्रिक को यूज करोगे तो आप लोग को कंफर्म है कि उस क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड्स, कुछ सेकंड्स के अंदर आप क्वेश्चन सुधर और वो भी 100% करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक सीरीज है, तो इस सीरीज को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि एक क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग जानते हो कि आजकल नेटवर्क से, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में। तो यहाँ पर देखिए बेटा, जैसे मान लेते हैं एक सर्किट है जिसमें कि 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, पैरेलल रेजिस्टर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। बेटा सपोज इसकी वैल्यू है 9, इसकी वैल्यू 9 और इसकी वैल्यू 9, 3 रेजिस्टर्स से पैरेलल में लगे हुए हैं। तो मैं कहूंगा इसके अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है। तो आपको कहोगे सर इसके लिए फॉर्मूला जनरली यूज करेंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। यहाँ पर आप लोग एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 1 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 3/9। ये वैल्यू आ गई आपकी 1/R की, दैट इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से आप लोग R की वैल्यू निकालेंगे तो R की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3। तो ये जनरल फॉर्मूला होता है जो आपको किसी बुक में मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चंस को करने का राइट तरीका नहीं। इससे आप लोग अगर क्वेश्चन करते हो तो अपने एग्जाम में 2 से 3 मिनट आप लोग वेस्ट कर दोगे, जिसकी वजह से आप लोग अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, अगला क्वेश्चन आपको छूट सकते। तो इसका एक ट्रिक ये होता है कि जब भी पैरेलल ब्रांच में सारी वैल्यू सेम हो, मैं रिपीट करता हूं बेटा, जब भी पैरेलल ब्रांच में रजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती है तो हम लोग कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, कोई भी एक वैल्यू लेते हैं और उसको नंबर ऑफ ब्रांच से डिवाइड करते हैं। यहाँ ब्रांच कितनी बेटा, 1, 2, 3। अगर हम लोग इसको 3 डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना आंसर आ जाएगा, जो कि सेम आंसर है जो आप लोग इस फॉर्मूले से करें। लेकिन आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे और इस फॉर्मूले से करोगे तो आपको विद इन अ सेकंड, 10 सेकंड के अंदर आंसर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा कि जब भी पैरेलल ब्रांच में सारी वैल्यू सेम होती है उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जब सारी वैल्यू सेम होती है तो आप लोग कोई भी एक वैल्यू लोगे और उसको नंबर ऑफ ब्रांच डिवाइड कर दोगे। यहाँ पर ब्रांच, यहाँ पर 1, 2, 3 तीन ब्रांचेस, हमने 3 से डिवाइड कर दिया और हमारा आप चुपचाप आंसर लेकर चलते। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर यहाँ पे वैल्यू सेम है तो आप लोग ट्रिक लगाते हैं। बाई चांस मान लेते हैं अगर वैल्यू सेम ना हो तो उसके लिए भी ट्रिक है, वो मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूँ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए, जैसे मान लेते हैं बेटा यहाँ पे एक अलग थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास 5 ब्रांच के रजिस्टर्स लगे हुए हैं, 5 रजिस्टर्स लगे हुए हैं पैरेलल ब्रांच में, ठीक है। पैरेलल ब्रांच में 5 रजिस्टर्स लगे हुए हैं और इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये लेते हैं लेटर सपोज इसकी वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू मान लेते हैं लेटर्स टेक इट एज 10 10 10 10, ठीक है। आप इस मेथड से करने जाओ बेटा आंसर आएगा, नो डाउट आंसर आपका आएगा, लेकिन इससे क्या होगा आपका समय काफी चला जाएगा, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में समय का कितना इंपॉर्टेंस होता है वो आप लोग जानते हो, ठीक है। एक एक सेकेंड आपको काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसको ट्रिक से करने के लिए, ट्रिक से इसको कैसे करेंगे, सिंपली आपको ध्यान देना है कि सर जब आपकी वैल्यू सारी, जब भी वैल्यू सर ने ये बताया आपको कि जब भी सारी वैल्यू पैरेलल ब्रांच में सेम होगी, जब भी पैरेलल ब्रांच में सारी वैल्यू सेम होगी कोई भी एक वैल्यू लेंगे तो कोई भी वैल्यू होगा तो कोई भी वैल्यू होगा तो वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी और उसको डिवाइड कर दोगे किससे, नंबर ऑफ ब्रांच। तो यहाँ कितने ब्रांच बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिवाइड कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका इक्विवेलेंट आंसर आएगा, जो कि आप लोग इस फॉर्मूले से करोगे तो वही आंसर आएगा।
लेकिन इससे समय लगेगा, इससे आप लोग 2 से 5 से 6 सेकंड में आंसर निकालो, ठीक है। तो बेटा एग्जाम में क्या होता है, आपको ये नहीं पूछता कि हमने किस मेथड से किया है, उसको आपको बस आंसर मेंशन करता है कि आपका आंसर आना चाहिए, आपने कैसे आंसर लाया उस पर वो नहीं देखता, ठीक है। आइए बच्चों, अब एक यूपी क्वेश्चन पीसीएल क्वेश्चन लेते हैं, जो कि आप लोग इस मेथड से जो मैंने अभी बताया उससे आप लोग करोगे तो विद इन द सेकेंड आपका आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि आपके पास जो यूपी पीसीएल 2010 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछा था कि 100 रेजिस्टेंस है, 100 रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस बेटा 100 रेजिस्टेंस है, और सबकी वैल्यू, जो सबकी वैल्यू है, सबकी वैल्यू दे रखी थी उसने, सबकी वैल्यू है 10, सबकी वैल्यू कितनी दे रखी थी 10, और कह रहा था कि इन सारे रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया, कैसे कनेक्ट किया गया बेटा पैरेलल, तो इसको कैसे कनेक्ट किया गया बेटा पैरेलल। तो अगर हम लोग मेथड्स जाएंगे, बुक के मेथड्स जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, यहाँ पे हमने ले लिया पैरेलल में रेजिस्टेंस, अब 100 रेजिस्टेंस हम लोग बना नहीं सकते, तो हमने क्या किया डॉट डॉट कर दिया और यहाँ पर रेजिस्टेंस ले गए और ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये 100 रेजिस्टेंस है, सबकी वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 10 10 10, और सबकी वैल्यू 10 थी, ठीक है। अगर इसको जनरल मेथड से करेंगे आप लोग 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, ये कहाँ पर जाएगा बेटा, कितना रेजिस्टेंस 100 रेजिस्टेंस है, 100 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू रखेंगे 1/10 + 1/10 + 1/10, ऐसे वैल्यू रखते जाएंगे 100 बार रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 10 नीचे आएगा 1 + 1 + 1, अब यहाँ पे क्या है बेटा ऊपर देखेंगे तो 1-1 रुपए के सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं 100 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे बेटा 100 रुपए, ठीक है। तो 1/r = कितना आ जाएगा 100/10, यहाँ से आप लोग देखिए 1/r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 10 आ जाएगी, और अगर आप लोग फिर r की वैल्यू निकालेंगे फाइनली तो कितनी आ जाएगी 1/10, ठीक है। ये था जनरल मेथड जो कि मैक्सिमम बच्चे करते हैं एग्जाम में, लेकिन ये मेथड आप लोग एग्जाम में यूज करोगे तो 5 मिनट ले लेगा, और जिसकी वजह से आप लोग आगे वाले क्वेश्चन ले लेते, तो इसको कैसे विद इन अ सेकंड करेंगे आइए देखते हैं। मैंने क्या बताया बेटा, जब भी पैरेलल ब्रांच में सारी वैल्यू सेम होती है तो क्या करते हैं, जब भी पैरेलल ब्रांच में सारी वैल्यू सेम होती है तो कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, उसमें कोई भी एक वैल्यू लेंगे तो कितना होगा, वो वैल्यू कितना होगा बेटा 10 होगा, और उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, उसको डिवाइड कर देते हैं बेटा नंबर ऑफ ब्रांच, तो यहाँ पे ब्रांचेस कितने 1 2 3 4 5 6 कहां तक 100 तक ब्रांचेस, तो हम लोग ब्रांच से डिवाइड करेंगे, ब्रांच इतनी बेटा 100 ब्रांच है, तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा 1/10, जो कि आपके इस मेथड से भी निकल के आ रहा है जनरल मेथड से, लेकिन इससे करोगे 5-6 मिनट खा जाओ, और इस मेथड से करोगे जो मैंने बताया आपको आप जितने सेकंड इसको सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो ये था, अब आपके माइंड में आ रहा है फिर से बेटा कि अगर मेरा यहाँ पे वैल्यू अलग अलग होता है तो उसके लिए क्या ट्रिक, वो ट्रिक बेटा मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा, ठीक है। किसी एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, एक खुद पे विश्वास रखिए और दूसरा आपको प्रैक्टिस करनी, तो प्रैक्टिस तो बेटा मैं आपको कराता हूँ, आप लोग पहले बस खुद पे विश्वास रखिए, ठीक है। मेरे दोस्तों ने बोला कि अरे यार तुम पेड वीडियो बना के क्यों नहीं इलेक्ट्रिकल ट्रिक की सीरीज बना देते, ताकि इससे कुछ बेनिफिट हो, पैसे नहीं कमाए जाए, बट बीइंग ए इंजीनियर, मैं भी एक इंजीनियर रह चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि इंजीनियर लोग का काफी खर्चे होते हैं भाई, मूवी देखने जाना होता है, ढाबे में खाना खाने जाना होता है, पार्टी करनी पड़ती है, मैडम को लेके मैं भी लेके जाना पड़ता है, ठीक है। तो बीटेक वालों के पास काफी, इंजीनियर लोगों के पास, इंजीनियर जो भी होते हैं काफी खर्चे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ ताकि आप लोग यार उसको फ्री में देखो और कहीं ना कहीं सिलेक्शन पा जाओ, और सिलेक्शन पा के अपने पैसे से मैडम को लेके घुमाने लेके जाओ, ठीक है। जो भी मैडम है, कोई भी हो, जिसको भी जिसको पार्टी देनी है, खुद के पैसे दो, माता पिता के पैसे, ठीक है। ये आपको मैं बोलना चाहता था कि आने वाले दिनों में मैं और भी सीरीज लेके आऊंगा, और अगर आपको कोई और डाउट्स, आपकी कोई टॉपिक हो जिसका आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको उसमें कुछ ट्रिक्स चाहिए तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं तुरंत उस पर आपको वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा, आपको ये चीज पसंद आई, तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, और आगे आने वाले वीडियो में आप लोग इसके आगे वाला ट्रिक दे सकते हैं। थैंक यू।